नारदपुर नाम का एक गांव है, उसमें पटेल नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। उसे नरेंद्र नाम का एक बेटा था। वो होशियार तो था लेकिन कोई काम नहीं करता था और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था, और तो और लोगों से उधारी लेकर वापस नहीं करता था और उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाते रहता था। एक दिन नरेंद्र अपने दोस्त शिवा के साथ जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अरे नरेंद्र, जंगल में क्यों घुमा रहे हो? बात दरअसल ये है कि जिन जिन लोगों से मैंने उधारी लिया हुआ है वे एक जगह बात कर रहे थे कि नरेंद्र के सारे दोस्तों को पकड़कर उनके पैर तोड़ देंगे, वरना तब तक उसे अकल नहीं आएगी। यूँ बात कर रहे थे, इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। वो बातें सुनकर शिवा, ये क्या भाई, तुमने उधारी लिया मेरे पैर तोड़ेंगे? हाय रे मेरे कर्म। वो सब मुझे नहीं पता रे, जो कहना चाहिए था वो कहा, आगे तुम्हारी मर्जी। जितना मुझे समझ आ रहा है अभी गांव जाना तो मुश्किल है, जब तक कोई देवता आकर हमें वर ना दे दे। इतने में उन्हें खाली प्रदेश में एक लड़की दिखाई दी। उस लड़की को देखकर नरेंद्र, ओए लड़की कौन हो तुम? तब से तो हम यहीं हैं, अचानक से तुम कहां से आए? फिर नरेंद्र शिवा से, रे कहीं हमारी जीप को कोई पावर्स मिल गए हैं क्या? अभी बस कहा कि देवता आकर वर ना दे दे और ये लड़की यहाँ प्रकट हो गई। सच है, मैं आसमान से ही आई हूँ, मैं देव कन्या ही हूँ। चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना बहुत खतरे में पड़ जाओगे। ओ अगर तुम सच में देव कन्या हो तो एक भोरी भर कर सोना देना। वो बातें सुनकर लड़की, कहीं पर भी लड़के लड़कियों को सोना देते हैं, लेकिन तुम बेशरम हो कि लड़की से पूछ रहे हो? हाँ चाहो तो ये जंगल में कोई सोना वोना तो छोड़ कर नहीं गया, ये ढूंढते बैठो, जाओ, कहकर चली गई। तब नरेंद्र शिवा से, ये कोई माया लगती है, ये लड़की अचानक क्यों प्रकट हुई, लेकिन जाते वक्त चलते हुए जा रही है, मतलब कुछ तो चल रहा है, चलो ढूंढते हैं। रे तुम कभी छुप नहीं बैठोगे क्या? सब में मुझे फंसाते रहते हो। अब नरेंद्र शिवा की बातों की परवाह करे बगैर जमीन पर ढूंढने लगा। तब नरेंद्र को एक जगह पर एक दरवाजा दिखाई दिया। उसे देखकर नरेंद्र, रे शिवा यहाँ आओ, कहकर उसे बुलाया। शिवा वहाँ आया। देखा, ये कोई मैजिकल सीक्रेट डोर की तरह है, वो लड़की जरूर इसी में से आई होगी, कहकर उस दरवाजे को खींचा पर वो खुला नहीं। तब नरेंद्र को कुछ अचानक से याद आया। रे जब वो लड़की आई थी तो कोई कुकु कुकु करके आवाज आई, हम भी यूँ कुछ कहकर देखते हैं, शायद तब दरवाजा खुल जाए, कहकर नरेंद्र कुकु कुकु यूँ आवाज किया। तब वो दरवाजा खुला, दोनों आश्चर्य से उस दरवाजे के नीचे उतर गए। तब उनके उतरते ही वो दरवाजा बंद हो गया। वो डोर के बंद होने की आवाज से शिवा, रे तुमने तो मेरी जान सच में ले ली है, डोर लॉक हो गया है, अब ये कभी नहीं खुलेगा, अब हमारा क्या होगा? रे वहाँ देखो, आगे उन्हें ढेर सारा सोना नजर आया। दोनों वहाँ आश्चर्य से देख रहे थे। तब शिवा कुछ सोने को देखकर, रे ये हमारे वेणुगोपाल मंदिर से चुराया हुआ सोना है ना? हाँ रे, ये कोई मंदिर में चुराए धन को छिपाने का स्थान लग रहा है, तुरंत पुलिस को बताना चाहिए। अब उन्हें वो दिखाई दी हुई लड़की और उसके साथ दो आदमी दिखाई दिए। उन्हें देखकर नरेंद्र, हाय राम, मैं तो सोच बैठा था कि तुम कोई देव कन्या ही हो, किसी तरह पटा लूंगा तो सारी उधार चुक जाएगी, तुमने तो बहुत डिसअपॉइंट कर दिया, अब और किस बात की इंतजार कर रही हो? अपने चमचों को भेजो, उन्हें हम देख लेंगे। और क्या देख रहे हो, जाकर उन्हें खूब पीटो। चोर अब नरेंद्र और शिवा को मारने के लिए आए, उन्हें शिवा और नरेंद्र उल्टा खूब पीटे। फिर सोने को, चोर और उस लड़की को नरेंद्र और शिवा मिलकर पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस और गांव वाले शिवा नरेंद्र की खूब प्रशंसा किए। अब जिनसे उसने उधारी ली हुई थी उनके भी सोने की बरामद हुई। तब वे भी खुशी से शिवा और नरेंद्र को और खुशी से दान देकर कारोबार चलाने के लिए मदद किए। गाँव के एक गुफा में एक चोरों का सरदार ऐसे बोल रहा था, 40 साल के लंबे सफर के बाद हमारा सोमू आज रिटायर हो रहा है, कई चोरों को देखा है लेकिन हमारा सोमू बेबदल है, सोमू साहब वी विल मिस यू, रिटायर होकर आप क्या करना चाहते हो? चोरी के अलावा मैंने ना कुछ किया है ना मुझे कुछ पता है, रिटायर होने के बाद मैं क्या करूँगा मुझे पता नहीं। सरदार तब सोचकर, सोमू साहब आप क्यों ना एक रेस्टोरेंट खोल दें,
रेस्टोरेंट? मैं कहाँ बनाऊँ रेस्टोरेंट? मेरे पास जगह कहाँ है रेस्टोरेंट बनाने के लिए? जमीन के ऊपर जगह की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जमीन के नीचे थोड़ी ना पड़ेगी। भूगर्भ में रेस्टोरेंट? हाँ, हमारे चोरों को सिक्योरिटी नहीं है, हर जगह हम खाना नहीं खा सकते, इसीलिए चोरों के लिए चोरों का रेस्टोरेंट। हमारे चोरी का माल इसी रेस्टोरेंट में छुपाएंगे, क्या कहते हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप जैसे चोरू चक्के इस दुनिया में हैं, मुझे कोई कमी नहीं होगी। रिटायरमेंट में भी मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद। वैसे सोमू सरदार के कहने पर भूगर्भ में एक रेस्टोरेंट खोलता है। सभी चोर रात को चोरी करके उस जगह पर पहुंचकर भूगर्भ में उस रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते हैं। रात को दारू पीकर खाना खाकर उस रेस्टोरेंट में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह एक चोर, भाई आपका आइडिया बढ़िया है भाई, हम चोरों को सिक्योरिटी दिया है भाई, तुमने ऐसे आराम से सोकर कितने दिन हो गए भाई। ये सिर्फ मेरा किया धरा नहीं है, हमारे सोमू नहीं होते तो हम इतने आराम से नहीं सो पाते। इतने में जमीन के ऊपर पुलिस सायरन सुनाई देती है। इन पुलिस वालों को पता नहीं है कि हम कहाँ हैं। वो ऐसे ही यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, हम तो आराम से यहीं पे रहेंगे, आज यहीं पे रहेंगे और कल सुबह उनके निकलने के बाद बाहर निकलेंगे। जमीन के ऊपर पुलिस SI, फॉरेस्ट ऑफिसर, गवर्नमेंट के प्लान के मुताबिक इस मार्ग पर रोड डालने का प्रपोजल आया है, आज शाम ही इस रोड को डालेंगे। श्योर सर, रोड अच्छे क्वालिटी का बनाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मुझे विशेष रूप से जांच करने के लिए बोला गया है। उस शाम को रोड रोलर के सहारे वहाँ रोड बनना शुरू होता है। थोड़ी देर बाद SI रोड रोलर के ड्राइवर के पास आकर, रोड रोलर को रोक दो, किसी NGO ने कोर्ट से स्टे हासिल किया है ये कहकर कि हमने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे पेड़ों को तोड़ा है, तब तक इस रोड रोलर को कहीं आसपास पार्क कर दो। रोड रोलर का ड्राइवर उस गुफा के द्वार के पास पार्क कर देता है। शहर में चोरियां ज्यादा हो रही हैं और जितनी भी कोशिश करूं उन चोरों को पकड़ना मुश्किल हो रहा है। अब तक वही परेशानी है सोचा था, अब ये NGO ग्रुप भी आ पड़ा, ठीक है चलो, कहकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन सुबह चोरों का सरदार, ओए चलो चलो पुलिस वाले निकल गए, कहकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। चार लोग साथ मिलकर प्रयास करते हैं, तब भी वो दरवाजा नहीं खुलता। अरे ये क्या, इतना प्रयास करने पर भी दरवाजा नहीं खुल रहा है, अब क्या करें, कहकर सोचने लगता है। हर एक चोर दरवाजे को खोलने के प्रयास में नाकाम होते हैं। सरदार, हम ऐसे कैसे फंस गए सरदार? देखेंगे, हमारी कोशिश हम करेंगे। वैसे 3 दिन निकल जाते हैं। सरदार, रेस्टोरेंट में खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, 3 दिन हो गए हैं नहा के। हमारे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, हमें इस जगह के बारे में किसी को बताना चाहिए। वैसे थोड़े चोर थोड़े लोगों को कॉल करके उनका पता बताने लगे, लेकिन बहुत लोग वहां आकर कुछ ना दिखने पर वापस चले गए। आखिर में एक युवक वहां आकर, भाई भाई आपके लोकेशन पे आ गया हूँ, लेकिन आपके गुफा के दरवाजे पर रोड रोलर पार्क किया हुआ है, मैं इसे कैसे हटा सकता हूँ, ऊपर से इस पे ताला लगा हुआ है भाई, कहकर वहां से निकल जाता है। ये बातें सुनके सरदार, ओहो हो हो, बहुत बड़ी समस्या है, उस रोड रोलर को कोई हटा नहीं सकता, उसकी चाबी तो पुलिस के पास है, पुलिस वाले कब आएंगे हमें पता नहीं है, अब कैसे, कहकर सोचने लगता है। सरदार लाचार होकर पुलिस को कॉल करके, SI साहब, हम सरेंडर हो रहे हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तुम लोग कहाँ हो बताओ? आपने रोड डालते वक्त अपने रोड रोलर को जहाँ पार्क किया उसके बिल्कुल नीचे है। SI और उसके साथी जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचते हैं और रोड रोलर को हटाकर
गुफा के अंदर जाकर सभी को अरेस्ट करते हैं।